हेलो दोस्तों, दानियाल सनसिंह की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बलेनो 2022 है अल्फा मॉडल, उसमें जो स्मार्ट की आती है उसके क्या फीचर्स हैं। कुछ एक हिडन फीचर्स जो हर किसी को नहीं पता होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के क्या क्या हिडन फीचर होते हैं। तो आप की देख लीजिए, ऐसी कुछ की आती है इसकी। ये है इसका फ्रंट लुक। पीछे ये लॉक का अनलॉक का दो बटन आते हैं इसमें। ये ऐसी कुछ इसकी की रहती है। ये की जो है यही आपको बलेनो के अल्फा मॉडल में और जीटा मॉडल में भी मिल जाती है। अल्फा जो है वो इसका टॉप मॉडल है और जीटा जो है टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है। दोनों मॉडल्स में आपको सेम की मिलती है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। तो चलिए इसका सबसे बेसिक फीचर से अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पहले कार के बाहर आ जाते हैं। सबसे पहला फीचर इसका ये है इस कार का कि इस की का कि इसमें अपन लॉक अनलॉक के जो बटन देख रहे हैं। अपन को गाड़ी को अनलॉक करना तो नॉर्मली ये अपन ने अनलॉक का बटन दबा दिया, इससे कार अनलॉक हो जाएगी। ये तो फीचर तो हर किसी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं। और जैसे आप इसको दो बार प्रेस करेंगे तब जाके इसके चारों डोर ओपन होते हैं। ये फीचर मेरे ख्याल से मारुति की कार्स में ही आता है सिर्फ, और दूसरी कंपनी की कार्स में नहीं आता है। अगर आप मान लीजिए एक बार इसको खाली लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर ओपन होगा। तो अगर आपको सारे डोर खोलना है तो आपको इसके लिए दो बार प्रेस करना पड़ेगा। ये हो गया इसका पहला फीचर। दूसरा फीचर मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे मान लिया हमने इसको पहले लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दोनों बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये दो बटन है यहाँ पर, फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। हाँ, दूसरा फीचर इसका यह है कि जो लॉक अनलॉक का बटन है इसको आपको दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। तो इससे मान लीजिए जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी है, आपको इसको ढूंढना, तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन दोनों जो इसके बटन्स हैं ये मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होता है, ये ऐसा साइरन बनने लगे। इसको बंद करने के लिए लॉक या अनलॉक आप दबा दीजिए, ये बंद हो जाएगा। इस फीचर की हेल्प से अपन अपनी कार को जो है कहीं भी पार्किंग या भीड़ भाड़ में आसानी से ढूंढ सकते हैं। तीसरा फीचर, चलिए इसको आपको मैं कार के अंदर चल के बताता हूँ। ये चाबी आपको बस अपने पास ऐसी रखनी है। ये आता है रिक्वेस्ट सेंसर बटन। ये यहाँ पर आपके पास चाबी रहेगी, आप इस बटन को नॉर्मली दबा देंगे अगर तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी। ये मैंने एक बार दबाया, ये गेट जो है अनलॉक हो गया। एक और बार दबाऊंगा, चारों गेट अनलॉक हो जाएंगे। ये भी एक इसका स्मार्ट की का फीचर है। ये अपन अंदर बैठ जाते हैं कार में, गेट को मैं लॉक कर लेता हूँ। तो ये अपन कार के अंदर आ गए हैं। ये रही इसकी की को मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ रख दिया है। और यहाँ पर कोई भी फिजिकल की का बटन नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये पुश स्टार्ट स्टॉप का एक बटन दिख रहा है। अपने को नॉर्मली क्या करना है, आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्निशन स्विच की पोजीशन दे रहा है। एक और बार अपन प्रेस करेंगे तो इग्निशन जो है ऑन हो चुका है। कोई भी हमें फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ी है। हम इसको क्लच प्रेस करेंगे। क्लच प्रेस करने के बाद जैसे ही हम इस पे इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन पे क्लिक करेंगे तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था इसका एक और फीचर। इसको कीलेस एंट्री भी बोला जाता है इस फीचर को। इसमें आपको की जरूरत नहीं पड़ती है। इन केस अगर जैसे कभी आपकी बैटरी डाउन हो जाती है कार की, तो जस्ट नॉर्मली इसको आप की को जो है ये सेंसर के पास इस तरह से कुछ लगा दीजिए और उसके बाद आप बटन दबाएंगे तो वो भी उसको कैप्चर कर लेगा। एक फीचर और मैं आपको इसका बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या कर देना है, गाड़ी का जो ये हेडलाइट वाला पोजिशन है इसे हमें ऑटो पे कर देना है। ये फीचर सिर्फ सिर्फ टॉप मॉडल में आता है, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं कि ये जीटा में आता है या नहीं। तो दोस्तों अपन ये कार के बाहर आ गए हैं और ये मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये फीचर मेरे को आपको दिखाना था। अगर उस टाइम दिखाता तो दिन की लाइट होने की वजह से दिख नहीं पाता। ये रहा इसका फीचर, ये है कि ये इसकी की है और ये खड़ी अपनी कार। फोकस करवा देता हूँ, ये खड़ी अपनी कार। इसको मैं जैसे ही अनलॉक करूँगा, मैंने ऑटो पर हेडलैम्प कर रखा है, ये मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, लाइट चालू हो गई इसकी। जैसे ही बंद करूँगा लाइट भी बंद हो जाएगी। तो ये है इसका एक और फीचर जो कि मतलब अगर अंधेरा रहता है तो ये आप इसको अगर ऑटो पे हेडलैम्प आपने रखा हुआ है और अगर आप अनलॉक करेंगे तो ये जो है तो लाइट इसकी चालू हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए। कुछ हो सकता है एक आध फीचर मेरे से छूट गए हो, पर मेनली जो जो मेन मेन फीचर मैंने आपको सब बता दिए हैं। तो अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं नया नया अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।